आज 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु के सातवें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस वर्ष अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला का सूर्य तिलक होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी राजा के कुल में पैदा हुए थे और प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ देते थे। इस वर्ष रामनवमी पूरे देश में बहुत ही खास रहने वाली है। दरअसल अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी के ही दिन भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम के मस्तक पर सूर्य देव तिलक करेंगे। अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। रामनवमी पर सूर्य तिलक और भगवान श्री राम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इसी बीच रामलला के सूर्य तिलक से पहले प्रभु श्री राम के दिव्य अभिषेक की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी पर्व पड़ा है। ऐसे में राम जन्मभूमि में रामनवमी का धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। रामनवमी की सुबह मंदिर के अंदर रामलला का दिव्य अभिषेक किया गया। रामलला के दिव्य अभिषेक की तस्वीरें देख आप भी मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। फोटो को देख ऐसा लगता है जैसे रामलला अभी बोल पड़ेंगे। ऐसा अद्भुत नजारा हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है। बता दें कि रामनवमी के खास मौके पर आज दोपहर 4 के लिए रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य अभिषेक की तैयारियां कई दिन से चल रही हैं और इसके ट्रायल की कई वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक अयोध्या के भव्य मंदिर में होगा। इस दिन वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। 17 अप्रैल को रामलला के सूर्य तिलक के दौरान रवि योग, गजे केसरी, केदार, परिजात, आमला, शुभ, सरल, काहल और वाशी योग बनेगा। यानी प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक 9 शुभ योग में होने जा रहा है। इसके अलावा ग्रहों का दुर्लभ संयोग भी रहेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तब सूर्य और शुक्र अपनी अपनी उच्च राशि में थे और चंद्रमा भी स्वयं की राशि में मौजूद थे। इस बार रामनवमी पर भी ऐसा ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।